फ्रेंड, आज हम फिर एक बढ़िया रेसिपी के साथ हैं, वो है जलेबी। आज हम जो जलेबी बना इंस्टेंट जलेबी, चलिए उसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। हमने एक कप मैदा लिया है, वो डाल दिया। आधी कप सूजी है, ये सूजी डालना है। अब हम आधी कप दही डालेंगे, ये दही है। हमने ऑरेंज वाला फूड कलर डाला है, पिंच भर आप डालना हो डालिए। ये हमने बेकिंग पाउडर एक टीस्पून डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे और इसमें आधा कप पानी लगेगा। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल लें। पानी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मत डालिएगा, ये घोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए, हल्का गाढ़ा रहेगा। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे और आधे घंटे ढक के रख देंगे, ताकि हमारी सूजी भी अच्छे से फूल जाए और हमारा जलेबी का बैटर भी बहुत बढ़िया रेडी हो जाए। चलिए इसमें अभी थोड़ा पानी और डाल रहे हैं, हमने आधा कप के करीब पानी डाला है इसमें। चलिए इनको हम बहुत अच्छे से मिला देते हैं। हमारा बैटर इस तरह होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, पर देखिए कितना स्मूथली गिर भी रहा है। चलिए इसे अब हम ढक के रख देते हैं। और इधर हम चाशनी के लिए कढ़ाई, चलिए चाशनी के लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई। हमने एक कप चीनी ली है और आधा कप पानी लेंगे। पहले चीनी डाल दी है, अब हम इसमें आधा कप पानी डाल लें। अब इनको हम अच्छे से चलाएंगे, हमें क्योंकि एक तार की चाशनी चाहिए। चाशनी पकने में मुश्किल से 5 मिनट लगे। हमने इसमें एक नींबू का रस डाला ताकि हमारी चाशनी जमे नहीं, और हमने इसमें इलायची पाउडर डाला ताकि हमारी जलेबी में बहुत अच्छी खुशबू आए। चलिए हमारी चाशनी वैसे रेडी हो गई, हम इसको चेक कर लेते हैं कि एक तार की हो गई। देखिए कितने अच्छे से उबल भी गई है। अब हम इसको चेक कर लिए, देखिए एक तार की तैयार हो गई हमारी चाशनी। लिए हमारी चाशनी भी रेडी हो गई, इधर हमारा बैटर भी बढ़िया तैयार हो गया। अब हमने इस बैटर को इस आइसिंग बैग में लिया है, जिससे हम अपनी जलेबियाँ बनाएंगे। हमने जलेबी के लिए ऐसी फैली भी कढ़ाई ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पैन भी ले सकते हैं। चलिए हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई, अब हम इसमें घी डाल देते हैं, क्योंकि घी हमें गर्म रखना है पहले। देखिए इस तरह हम गोल गोल करके जलेबी बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह गोल गोल किया, और हमारा बैटर कितना अच्छा बना है कि हमारी जलेबी कितनी स्मूथ से गिर रही है। देखिए कितनी अच्छी से ऐसे देखिए गोल गोल करके, ये देखिए। चलिए अभी तो हमारी कढ़ाई तेज़ है, अब हम इसको धीमी कर देते हैं 2 से 3 मिनट, यहाँ पर करारी बने। जब ये नीचे से हो गई है, अब हम इन्हें पलट रहे हैं, और आँच हमने भी धीमी करी हुई है, और निकालने से पहले हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। चलिए हमारी जलेबी सिक गई, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इनको देखिए हम चिमटे से निकाल लें, हम इनको चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए। चलिए अब हम जलेबी अपनी चाशनी में डाल देते हैं, देखिए इस तरह। और इसको हम 1 मिनट भीगने के बाद हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हम अपनी जलेबी को चाशनी में डालेंगे। चलिए 1 से 2 मिनट हो गए, अब अपनी हम जलेबी निकाल लेते हैं। ये अच्छे से भीग गई हैं, हमारी जलेबी तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है और खूब करारी बनी है। इसको हमने रबड़ी और दही के साथ सर्व किया, इसके साथ खाने में इसका मज़ा और आ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड।